जय हिंद दोस्तों, मैं गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी पर, जहां बात होगी डर की, अंधविश्वास की बात होगी, केवल और केवल विज्ञान की। भृगु नंदी नाड़ी के 7 चार्ट पर हमारी चर्चा चल रही थी और लास्ट वीडियो में हमने जाना किस तरह से हम किसी नेटिव के जन्म स्थान के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह का उसका जन्म स्थान होगा, किस तरह का उसके जन्म स्थान के आसपास का एटमोस्फेयर होगा, बहुत इजीली किस तरह से हम इस चीज को किसी चार्ट से एनालिसिस कर सकते हैं। चलते हैं इसी चार्ट में आगे के डिस्क्रिप्शन पर, उसके क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। यहां श्री राव साहब आगे लिखते हैं, गुरु और चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, जो इस नेटिव को मानव प्रेमी और शत्रुजयी बनाएगा, उसकी क्या रीजन है। इन्होंने केवल एक रीजन लिखा है कि गुरु और चंद्र देख रहे हैं, इससे नेटिव के ऊपर इफेक्ट यह आया कि ये मानव प्रेमी होगा और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। देखिए, गुरु और चंद्र देख रहे हैं एक दूसरे को, नो डाउट ये अपने आप में एक अच्छा योग है। इसको पाराशरी में वैदिक में गजकेशरी योग कहा गया और इस योग का प्रभाव ये होता है, क्योंकि जब भी चंद्र का प्रभाव गुरु पर आता है ये ओवर इमोशन देता है। ऐसे लोग मानव प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और विचारशील काफी पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय क्यों प्राप्त करेगा, क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल आपका मानव प्रेमी या कला प्रेमी होना पर्याप्त नहीं है। कहा जाता है जो लोग बहुत सीधे होते हैं वो बहुत जल्दी धोखा खाते हैं या उनको लोग आसानी से धोखा देते हैं, मगर इस चार्ट में ऐसा क्या योग है कि ये नेटिव अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करता है। देखिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए, उसका क्या योग इस चार्ट में है। गुरु के ऊपर चंद्र का प्रभाव है और आप अगर देखेंगे तो गुरु के ऊपर केवल चंद्र का ही नहीं, मंगल का भी प्रभाव है, क्योंकि मंगल यहां वृषभ राशि में वक्री है और मंगल का प्रभाव वक्री होने के कारण यहां मेष राशि में भी आएगा। तो यहां योग क्या बना, नाड़ी की दृष्टियों को आप यूज कीजिएगा। गुरु से तीन भाव में मंगल है, यानी गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि है और मंगल के त्रिकोण में चंद्र है, यानी कि सीधा सा योग बना गुरु मंगल और चंद्र का। अब एक और प्रभाव आप देखिएगा, गुरु के त्रिकोण में कौन बैठा है, गुरु के त्रिकोण में बैठा है सूर्य। मैंने एक वीडियो में आपके साथ प्रताप योग शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी किसी चार्ट में गुरु मंगल सूर्य और चंद्र का योग मिलेगा, ऐसे नेटिव बहुत ज्यादा नेम फेम वाले होंगे, साहसी होंगे, राजाओं के समान जीवन जीने वाले होंगे। तो ये योग अपने आप में इस नेटिव को पर्याप्त ताकत देने में सक्षम है, क्योंकि गुरु वो व्यक्ति हो गया जिसका ये चार्ट है और गुरु को आप आपके मंत्री का, आपके टीचर का कारक मान सकते हैं। मंगल हो गया सेनापति, आपकी आर्मी हो गई, चंद्र हो गया रानी और सूर्य होगा राजा या गवर्नमेंट हो गया या इस तरह के लोग जो गवर्नमेंट से कनेक्शन रखते हैं। जब किसी नेटिव के पास इस तरह की पावर होगी तो वो अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। और एक विशेष योग इस चार्ट में आप देखिएगा कि मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव भी है, यानी कि मंगल और केतु का योग धारदार हथियार को विशो करता है, आर्मेशन का भी इस नेटिव के पास सपोर्ट है। तो ऐसे में कोई भी नेटिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है जब भी किस चार्ट में इस तरह के योग मिलते हैं। आगे लिखा जाता है कि इस नेटिव के पास गवर्नमेंट जॉब है, रीजन लिखा जाता है इन द हाउस नेक्स्ट टू सैटर्न द सन वीनस एंड मर्क्यूरी आर पॉजिटिव, ही विल गेट ए डिसेंट जॉब, अर्न वेल। तो नारी ज्योतिष में या किसी भी ज्योतिष में शनि को आपके प्रोफेशन का विशेष कारक माना गया है। शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि आपकी जॉब की क्वालिटी क्या होगी, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बताया है। अब आप शनि को लग्न बना लीजिएगा, शनि से 12 भाव में देखिएगा चंद्र बैठा है और चंद्र यहां बैठा है सिंह राशि में, ये रॉयल प्लेनेट। एक तो चंद्र वैसे ही रॉयल प्लेनेट है, रानी का कारक, और सिंह राशि में बैठने के बाद चंद्र के अंदर एक विशेषता आ जाती है, राज दरबार में बैठी हुई रानी, राजा के साथ बैठी हुई रानी, इस तरह की क्वालिटी चंद्र में आ जाती है। और जब रानी जैसे राजा जैसे ग्रहों का प्रभाव शनि के ऊपर होगा, आपके कर्मों के ऊपर होगा, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी या आप एक अच्छे प्रोफेशन होंगे। दूसरा आप देखिएगा शनि के ऊपर जो प्रभाव है सूर्य का है, सूर्य जो खुद गवर्नमेंट जॉब को शो करता है, तो शनि के
12 भाव में बैठा है चंद्र और शनि के 2 भाव में बैठा है सूर्य, यानी कि पीछे रानी आगे राजा। और जब पीछे रानी आगे राजा होगा तो यानी कि आप सीधा सीधा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर प्लेस्ड हैं या आपका वर्क प्लेस ऐसी जगह है जहां पर राजा रानी या बड़े बड़े लोग काम करते हैं, तो आपको यहां पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जब भी किसी चार्ट में आप देखेंगे शनि के ऊपर सूर्य और चंद्र जैसे ग्रहों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो ऐसे लोग अक्सर गवर्नमेंट जॉब में पाए जाते हैं। अब आप शनि के ऊपर एक और प्रभाव देख लीजिएगा, शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव भी है, मगर किस तरह से, क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्री 28 डिग्री पर है और गुरु अगर देखा जाए तो गुरु यहाँ से रेट्रो होकर आया है, गुरु की थोड़ी दृष्टि शनि के ऊपर है। और क्योंकि गुरु के 2 भाव में शनि के 2 भाव में गुरु का प्रभाव आता है, इस वजह से ये जॉब काफ़ी अच्छी होगी। मगर आप यहाँ पर मेन फैक्टर लेकर चले, यहाँ मेन फैक्टर है शनि के 2 भाव में सूर्य और शनि का, सूर्य और चंद्र का होना आगे पीछे, और उसमें भी स्पेशली चंद्र का सिंह राशि का होना। अगर ये योग सिंह राशि के अलावा किसी और राशि में बनता तब यहाँ पर बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती थी, क्योंकि शनि से 2 भाव में सूर्य नीच का होकर बैठा है, हालांकि यहाँ नीच भंग है, मगर आप चंद्र को अगर यहाँ से हटा देंगे सिंह राशि से तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टेटस का प्रभाव है वो कम हो जाता है, जिस वजह से बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। होपफुली आपको समझ आया हो, आपको एक आइडिया मिला हो किस तरह से हम गवर्नमेंट जॉब को या गवर्नमेंट स्टेटस को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।